Notification volume 0%. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हेडिंग लेवल कैसे लगाते हैं एमएस वर्ड पे, और हेडिंग लेवल के माध्यम से आप इंडेक्स या कंटेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, वो कैसे बनाएंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल इंस्पायरिंग आइज अ न्यू वे में। देखिए, हम लोग जब एक हेडिंग बनाते हैं एमएस वर्ड पे, तो जिनको हेडिंग लेवल्स के बारे में नहीं पता होता है वो क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। हल्का सा ऐसे समझ लो कि लिटिल फिंगर आपका थंब बन जाता है, फॉन्ट के कैसे बता रहा हूँ। तो इटैलिक करते हैं, जो हल्का सा तिरछा हो जाता है। अंडरलाइन करते हैं, रेखांकित जिसको बोलते हैं। और भी बहुत कुछ, जैसे फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया या कलर चेंज कर दिया, तो ये सारे चीज़ करते हैं ताकि थोड़ा सा अपीयरेंस अलग दिखे दूर से, और दूर से ही देखने वाला बंदा समझ जाए कि ये हेडिंग है। बेसिकली नॉर्मल कंटेंट से थोड़ा तो अलग दिखना चाहिए ना, तो इसी को हम लोग हेडिंग लेवल्स के द्वारा जल्दी से कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं पहले हेडिंग्स लेवल को। तो मैं ये वाले वर्ड डॉक्यूमेंट पे आ गया हूँ, और यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस और कुछ लाइंस रिकॉल किए हैं रैंडमली। और ये कैसे किया हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस एमएस वर्ड के देखोगे तो समझ में आ जाएगा, खास करके इंट्रोडक्शन। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर नाम का मान लो हेडिंग लगना चाहता हूँ, तो मैं सबसे स्टार्टिंग में आ गया ओ, देन यहाँ पे मैंने इंटर की प्रेस किया। इंटर किया तो क्या हुआ, नीचे आ गया होगा मेरा कर्सर। मैं ऊपर जाऊँगा, ब्लैंक बोला, यहाँ पे कंप्यूटर लिख रहा हूँ। देखिए, हेडिंग लेवल्स में भी बहुत तरीके होते हैं, जैसे 1, 2, 3। हेडिंग लेवल 1 थोड़ा अपीयरेंस अलग होता है, सबसे बड़ा हेडिंग देने के लिए आप हेडिंग लेवल 1 यूज कर सकते हैं, उसके अंदर का हेडिंग या फिर सब हेडिंग देने के लिए वो हेडिंग लेवल 2 यूज कर सकते हैं, उसी तरह से सब हेडिंग देने के लिए हेडिंग लेवल 3 यूज कर सकते हैं। एमएस वर्ड में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप हेडिंग लेवल 1, 2, 3 तीन तरीके दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिखा। अब कंप्यूटर ये लिखा मैंने, तो यहाँ पे चाहो तो आप डायरेक्टली हेडिंग लेवल लगा सकते हो, चाहे तो कंप्यूटर को सिलेक्ट करके भी लगा सकते हो। लेकिन ये बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए, ये देखता है कि इंटर की कहाँ पे किया हुआ है। मैं यहाँ पे अगर हेडिंग लेवल 1 का कमांड अगर प्रेस करता हूँ तो कंप्यूटर पूरा अपने आप हेडिंग लेवल 1 में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डाउन एरो करके अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 1 करूँगा तो ये पूरा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो पूरा हेडिंग लेवल 1 हो जाएगा। ये बेसिकली देखता है आपने इंटर कहाँ पे किया है। तो मैं कंप्यूटर, आप चाहो तो, नहीं तो फिर सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसे ही करता हूँ, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 1। देखिए, ये मैंने अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वेरियस कीज कमांड्स वाले वीडियो में भी मैंने बताया है आपको, आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं, उसमें और भी कुछ कुछ है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लेवल 1 लगा दिया हूँ कंप्यूटर में। अब मैं सेकंड पैराग्राफ पे जा रहा हूँ। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है, मैंने मान लो कंप्यूटर के बारे में लिख लिया बहुत कुछ। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, अब यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ पे आ गया, मतलब और मुझे कंप्यूटर के बारे में जो लिखना था मैंने लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, अब मुझे यहाँ पे हार्डवेयर को लगाना है हेडिंग लेवल, लेकिन 1 नहीं लगाना है, 2 लगाना है, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ था तो कंप्यूटर के अंदर है ना हार्डवेयर, हार्डवेयर का वैसा हेडिंग लेवल नहीं दे सकते जैसा कंप्यूटर का दिया हुआ। तो यहाँ पे मैं हार्डवेयर लिखकर इंटर किया मैंने, आप एरो किया, हार्डवेयर आ गया। यहाँ पे मैं अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 2 कर देता हूँ, heading 2 style outline level 2। इसी तरह से डाउन एरो करके नीचे जा रहा हूँ, you can easily select a text from the quick, कंट्रोल डाउन एरो किया मैंने, page 2 to change the over, यहाँ पे होम किया T। अब देखिए, हार्डवेयर के अंदर कुछ कुछ होना चाहिए, तो हार्डवेयर के अंदर क्या हो सकता है, मैं CPU, सबसे बड़ा हार्डवेयर तो वही होता है, तो यहाँ पे CPU को भी, अब मैं हेडिंग लेवल 2 नहीं लगाना चाहता हूँ क्योंकि हार्डवेयर के अंदर का आइटम है ना CPU, तो मैं हेडिंग लेवल 3 लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं CPU लिख रहा हूँ, इंटर CPU, देन अप एरो CPU, और यहाँ पे मैंने अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 3 कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए मैं आपको बता देता हूँ मैं इसमें क्या क्या किया हूँ। इस डॉक्यूमेंट में मैं पहले से भी कुछ कुछ करके रखा हूँ, वही हेडिंग्स लेवल्स लगाया हूँ।
तो मैंने कंप्यूटर को हेडिंग लेवल 1 लगा दिया। फिर उसके अंदर आती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जहाँ जहाँ पे था वहाँ पे मैंने हेडिंग लेवल 2 लगाया। और हार्डवेयर का अंदर का आइटम जैसे CPU, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, इसको मैंने हेडिंग लेवल 3 कर लिया। और मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को हेडिंग लेवल 3 कर लिया। ठीक है, तो ये आपका एक तरह का हेडिंग्स लेवल्स लग गया। अब आप हेडिंग्स लेवल लगाने तो आप समझ गए होंगे कि कैसे लगता है। हल्का सा आपको बता देता हूँ कि हेडिंग लेवल जब आपका लगता है तो आपका जो कलर होता है, फॉन्ट होता है और आपका जो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग होता है बिल्कुल बदल जाता है, कि दूर से भी बंदा देख के बता सकता है कि ये हेडिंग लेवल 1 है, 2 है, 3 है, तो उसको पता चल जाएगा ये किस तरह का हेडिंग्स के अंदर मतलब काम किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे होम प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल होम, सबसे ऊपर में आ गया और यहाँ पे कंप्यूटर में गया ओ पे और इंसर्ट प्लस एफ से मैं आपको फॉर्मेटिंग सुना रहा हूँ। Style heading 1 Cambria 14 PT dark pale aqua dash blue bold align left left indent 1 inches line spacing sickle। तो ये सारे फॉर्मेटिंग हैं। आप चाहो तो इंसर्ट प्लस एफ ट्वाइस करके जब खुद से करोगे तो इंसर्ट प्लस एफ ट्वाइस मैं करके ही दिखा देता हूँ। और यहाँ पे लिस्ट आ जाता है फॉर्मेटिंग का, यहाँ पे अप एंड डाउन करके भी चेक कर सकते हो। 14 PT फॉन्ट साइज है Cambria। काम जो है इसका स्टाइल बोल रहा है स्टाइल हेडिंग 1 स्टाइल हेडिंग 1 कैम्ब्रिया 14 PT डार्क पेल अक्वा डैश ब्लू। ये कलर बता रहा है बोल्ड अलाइन लेफ्ट लेफ्ट इंडेंट 1 इंचेस लेफ्ट इंडेंट 1 इंचेस। तो जो भी आपने हेडिंग लगाया है सबका फॉर्मेटिंग आप चाहो तो सुन सकते हो। जो नहीं देख सकते हैं वो एक बार चेक जरूर करें कि कौन सा फॉर्मेटिंग कैसा दिख रहा होगा। ये नॉर्मल जो फॉन्ट मैंने यूज किया था वो 11 पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे अपने आप 14 पॉइंट हो गया हेडिंग लेवल लगाने के बाद, और भी कलर वलर चेंज हो गया। ठीक है, तो मैं अब सबसे ऊपर में जाता हूँ और यहाँ पे इंटर किया हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 1। अब ये मैं अप एरो किया तो यहाँ पे भी हेडिंग लेवल 1 बोल रहा है, मुझे नहीं चाहिए ना हेडिंग लेवल 1 यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको हेडिंग लेवल 1 नहीं चाहिए या फिर कोई भी फॉर्मेटिंग हो, जरूरी नहीं हेडिंग लेवल आपको फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो आप प्रेस कर सकते हो अल्ट प्लस एच देन ई। ये आपका क्या करता है कि टू क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, सारे फॉर्मेटिंग्स को हटा देता है ब्लैंक। अब नहीं बोल रहा हेडिंग लेवल 1। और यहाँ पे अब बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो जैसे आपका बुक्स वगैरह होता है तो उसके आगे में कंटेंट होता है या इंडेक्स होता है, तो वो एक एक पेज जो उसको बनाने वाला था क्या उसको एक एक पेज जाके देखता है, उसका पेज नंबर देखता है, उसके बाद वहाँ पे इंडेक्स बनाता है? नहीं, वो कंप्यूटर से बनाता है ये टेबल ऑफ कंटेंट जैसे चीज़ों के माध्यम से। तो इसको कैसे बना सकते हैं? इसको हम लोग बना सकते हैं रेफरेंस टैब में जाके। तो रेफरेंस टैब आपका खुलता है अल्ट प्लस एस। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ और मालूम होना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट जो बनता है तो वो बेसिकली लिंक्स बन जाते हैं, और वो लिंक्स पे क्लिक करोगे जिस भी नाम का लिंक होगा वो डायरेक्टली उसी नाम के हेडिंग पे पहुंच जाएगा। ये बेसिकली डेस्टिनेशन हेडिंग्स होते हैं, दैट मीन्स आप उनके लिंक्स उसी नाम का आ जाता है जिस नाम का हेडिंग होता है, और जो लिंक पे आप क्लिक करोगे उसी हेडिंग पे वो पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ आप छोटे डॉक्यूमेंट पे अगर टेबल ऑफ कंटेंट जैसा चीज़ यूज कर रहे हो तो ये तो सिर्फ आपके जगह घेरेगा और कुछ नहीं, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट अगर बहुत बड़ा है या फिर थोड़ा बड़ा है और आप टेबल ऑफ कंटेंट यूज करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट सुंदर भी दिखेगा और बहुत उपयोगी भी होगा, टाइम बचाएगा, आपका मूवमेंट का भी टाइम बचाएगा और अट्रैक्टिव भी दिखेगा आपका डॉक्यूमेंट। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ब्लैंक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप एक बार कंट्रोल इंटर कर दें उसके बाद बनाएं। उससे क्या होता है कि अगर आपका टेबल ऑफ कंटेंट एक पेज में कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा ही पेज में मान लो कंप्लीट हो गया, तो उसके जस्ट बाद से डॉक्यूमेंट स्टार्ट नहीं होगा, वो पेज ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा पेज नया जो पेज है उससे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप एक कंट्रोल इंटर कर सकते हो, उसका अप एरो करो, उसके बाद आप काम कर सकते हो। मैं कर देता हूँ, आप चाहो तो इसको नहीं भी कर सकते हो। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक मैंने कर दिया कंट्रोल इंटर से। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक, पेज टू ब्लैंक, पेज वन पेज ब्रेक। अब यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ अल्ट प्लस एस। जहाँ पे भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए वहीं पे आप अल्ट प्लस एस करोगे। मान लो कि आपने प्रीफेस और एक्नॉलेजमेंट पहले से ऊपर में कुछ लिख लिया है, उसके बाद चाहिए आपको कंटेंट, तो आप उसके बाद आके यहाँ पे वहाँ पे प्रेस करोगे अल्ट प्लस एस।
तो मैं मेरे को यहीं पे चाहिए तो मैं यहीं पे प्रेस करता हूँ। देन टी मैंने प्रेस किया अल्ट प्लस एस देन टी टैब टैब कंट्रोल रेफरेंसेस टैब सिलेक्टेड प्रेस सब मेनू रेफरेंसेस प्रॉपर्टी पेज टेबल ऑफ कंटेंट्स टूल बार टेबल ये टेबल ऑफ कंटेंट्स टूल बार खोल दिया है और यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे टैब्स के या दो तीन टैब्स के टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, आप अप एंड डाउन से उसको चुन सकते हो। ऐसे नॉर्मल चाहिए तो आप यहीं पे इंटर कर दो, अभी मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 page break चलिए देखते हैं क्या हुआ है। कंट्रोल होम किया मैंने क्योंकि ये बीच में होगा मेरा कर्सर, मैं शुरू में जाना चाहता हूँ। out of link contents contents अपने आप आया है ये जैसे ही इंटर किया था मैंने। लिंक कंप्यूटर 2 क्यों बोल रहा है, कंप्यूटर और 2 आपका उसका पेज नंबर। देखते हैं एक बार लेफ्ट और राइट करके मैंने इसका देखिए टैब है two. तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे है टू, ठीक है। तो ये एक लिंक भी है, अप एंड डाउन एरो करके सुना रहा हूँ मैं। लिंक कंप्यूटर टू यहाँ पे इसका मतलब है कि इंटर करते हैं हम लोग तो इसके कंप्यूटर वाले क्षेत्र में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। अभी डाउन एरो कर रहे हैं हम, क्या है नीचे और देखते हैं। हार्डवेयर टू हार्डवेयर भी दूसरा ही पेज में है। CPU 3 तीसरा पेज में है। यहाँ पे अगर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज ये सारे लिंक्स में है। ओके स्टोरेज डिवाइस Peripheral device 7 Peripheral device 7 पेज में है। Pointing device 8 Pointing device 8 Software 9 Software 9 Application software 10 देखिए जो देखने वाले बंदे हैं ना वो देख के ही बता दें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अलग दिख रहा है। इसका मतलब ये हेडिंग लेवल 2 का है या फिर मेन हेडिंग है। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में भी थोड़ा सा अलग होता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर तो मुझे मान लो कि जाना है आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो मैं एप्लीकेशन का LI के ऊपर है, मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली पेज 10 पे चला गया हूँ और डाउनलोड करके देखता हूँ। मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाले पेज पे आ गया, 10th पेज पे। तो ये करता है बेसिकली आपका टेबल ऑफ कंटेंट। आपको वापस जाना है तो कंट्रोल होम प्रेस कर देते हैं। तो इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट आप यूज कर सकते हो। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग का कमेंट नहीं आता है, जिनको कमेंट करने नहीं आता है या फिर कमेंट करने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो देखिए कमेंट अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप लाइक करें और उससे मुझे पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हो सही से। और कमेंट हो सके तो प्लीज़ करें आप, ठीक है, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।